नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा है, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है, राघव जी रोस्ट करेंगे अंजना कश्यप को। इस वीडियो के जरिए मजेदार वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए। किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे एक बेहतरीन नाम पूरे मोर्चे ने मिलकर तैयार किया है, और ये एक ऐसा नाम है अंजना जी, जिसमें इस देश के 135 करोड़ लोग समा जाते हैं। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति का एक संगम है इस नाम में। और जब जब इंडिया लड़ाई लड़ता है किसी भी ताकत से, तो इंडिया ही जीतता है और वो ताकत हारती है। और कहीं ना कहीं आज इसी इंडिया नाम से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाखुश हुआ, किसने प्रपोज किया, किसने सेकेंड किया, इसी पे देश भर में चर्चा चल रही है। लेकिन जो बात हो रही है वो सवाल है कनेक्ट पर। देखिए, अगर बिहार के आरा में नैनीजोर गांव है, उसमें कितने लोग इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे? अगर झुमरी तलैया का कोई गांव है छोटा सा, कोई दूसरी शहर में कोई छोटा सा गांव है शहर के आगे, वो गांव के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, वहां जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, वो इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये इंडिया शब्द से कनेक्ट करेंगे, ये जो मुझे पता चला है नीतीश बाबू की यही चिंता थी। अगर इस देश में अभी भी ऐसे इलाके और गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और जैसा कि आप बता रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है, विफलता है 10 साल की एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। वो एनडीए सरकार जो कहती थी अब इस देश का उद्धार हमने कर दिया, सब कुछ दे दिया इस देश को, आज भी अगर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो विकसित नहीं है, या भारत देश के ऐसे गांव हैं जिसमें बुनियादी सुविधाएं, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं बिजली जैसी नहीं है, तो ये तो विफलता है एनडीए की। इस पे तो बीजेपी को सवाल आपको पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। और क्यों, कोई भी शख्स क्यों नहीं जुड़ेगा इससे? इंडिया एक ऐसा शब्द है जो सबके दिल में वास करता है, सब टीम इंडिया का सम्मान करता है। क्योंकि यूपीए के खिलाफ आप लोगों ने कई आंदोलन किए थे, और उन्हीं पार्टियों के साथ अब मंच पर खड़ा होना है, इसलिए नाम बदलकर इंडिया रखना जरूरी था। देखिए, मंच पर खड़े होने की जहां तक बात है अंजना जी, जनता का जो मूड है, जो लोग चाहते हैं, वो इस केंद्र में बैठी मोदी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं। छुटकारा चाहते हैं, उसीलिए लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दलों को कहा कि साथ आओ, मोर्चा बनाओ और इन्हें हराओ। ऐसा ही कुछ 70 के दशक में हुआ था। उस समय के विचारधारा में बिल्कुल विपरीत रहने वाले राजनीतिक दल जनसंघ वामपंथियों के साथ आए, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के साथ आए, और एक जनता पार्टी का मोर्चा तैयार हुआ। और उस समय की बहुत ही शक्तिशाली और तमाम तरीके से संसाधनों से संपन्न सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार को परास्त किया राजनीति के चुनाव के मैदान में। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और बीजेपी को इस नाम में क्या परेशानी? बीजेपी तो वो पार्टी है जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब तो बीजेपी लाई थी। बीजेपी को कैसे परेज हो सकता है इस नाम से? मजा आया। कट सर ने क्या रोस्ट किया अंजना को, मतलब उनके सवालों का जवाब कैसे दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई, देख के मजा आ गया, उनकी शक्ल देखने लायक थी भाई। मुझे तो बहुत ही मजा आया वीडियो देखने में। आप लोग बताना कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।